और यहाँ से देखिए क्या नज़ारा आता है यहाँ पे पूरे गांव का, ये गांव नदी के जस्ट। ये देखिए, ये अब हम एंटर कर चुके हैं, ये सैदापुर ब्रिज है, यहाँ से देखिए क्या नज़ारा आता है, वाह। और यहाँ से देखिए क्या नज़ारा आता है यहाँ पे पूरे गांव का, ये गांव नदी के जस्ट, नदी में ही इस गांव को बसाया गया है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, विलेज लाइफ गांव की कुछ इस तरीके से होती है। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं ये नदी रही, और यहाँ पे आप सैंड वगैरह बालू वगैरह देख सकते हैं। और देखिए किस तरह से लोग बच्चियाँ ये देखिए पानी में नहा रही हैं, बर्तन धुल रही हैं, कपड़े धुल रही हैं। और ये देखिए गाँव की लाइफ स्टाइल, और ये देखिए किस तरीके से मवेशी लोग ले जा रहे हैं चारा खिलाने के लिए। ये उपले को भी तैयार किया गया है, कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पर कपड़े सुखाया जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से विलेज की लाइफ होती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ के क्या नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पे लग रहा है, ये देखिए। और आपको मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो भी धान वगैरह होती है इन सबको इन सब जगहों पर सुखाया जाता है। देखिए कितनी मेहनत करती हैं गाँव की वर्कर्स, इतनी मेहनत करती हैं, और फिर वापस हम लोग इन्हीं के कारण आज खाना खा पाते हैं। देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके से सुखाया जाता है। ये सब जो छोटा सा दिख रहा है क्या नदी है? नहीं नहीं, वो ऊपर पे ही छोटा सा क्या है सब? नदी का गाछ घास, ये घास है नहीं? हाँ। ये छोटे छोटे नदी नाले में तब्दील हो गया है। हाँ, नदी नाले में तब्दील हो गया, सही बात। बालू रहित नदी का नजारा देखें। ये देखिए पापा की लाइव रिपोर्टिंग चल रही है। तो ये नदी, लेकिन बालू का कहीं कोई ठिकाना नहीं, बालू का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि बालू का भी इतना ज्यादा अवैध खनन कि बालू बहुत ही कम दिखता है। अब हम वॉक की ओर टर्न ले रहे हैं कुछ ही देर में। आगे आप देख सकते हैं पहाड़ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। और ये देखिए वापस यहाँ पे पेड़ा बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए रोड साइड पेड़ा बनाया जा रहा है, दूध को पूरा जला के खवाने का, दूध को किस तरीके से यहाँ पे जलाया जा रहा है ये देखिए। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे खोआ बनाने की तैयारी की जा रही है दूध को,
दूध को अच्छे से जलाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये अंकल जला रहे हैं। अभी और कितना टाइम तक जलाइएगा इसको? कम से कम एक घंटा लगेगा। अभी एक घंटा और लगेगा ये पूरा जलाना है। देखिए अंकल बता रहे हैं कि अभी इसे पूरा जलाना है। और इनका फिर इलाके के मशहूर पेड़ा, मेरे जो गांव है यहाँ के, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। बहुत अच्छा पेड़ा खिलाते हैं हमें। मैं जब भी आती हूँ इनका पेड़ा मैं ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो मैं बिल्कुल नहीं भूलती यहाँ का पेड़ा। तो देखिए कुछ इस तरीके से कितनी मेहनत करके अंकल बना रहे हैं और बहुत टेस्टी होता है। इनका एक छोटा सा दुकान है यहाँ पे और अंकल देखिए यहाँ पे सबको खिलाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे टेस्टी। जब मतलब आते हैं ना पापा तो बोलते हैं लेके आइएगा। अभी तो बनाया है, अभी तुरंत बनाया है ना। अभी ये देखिए 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 अंकल यहाँ पे पेड़ा बना कर रखे हुए हैं। ये देखिए हाँ लेंगे। ये देखिए अंकल अभी इतनी क्वांटिटी में पेड़ा बना के रखे, और इनका पेड़ा इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं लेके ही जाती हूँ हमेशा, जब भी आती हूँ मुझे बहुत टेस्टी होता है। या फिर जो भी अदर बंदा कोई भी गांव आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि पेड़ा लेके प्लीज़ आइएगा वहाँ से। ये पेड़ा का स्वाद मुझे बहुत ही अलग लगता है और बहुत ही टेस्टी होता है। बिल्कुल अंकल बिल्कुल देसी स्टाइल से, अंकल ये देखिए बहुत ही देसी स्टाइल से इस पेड़े को तैयार करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखिए बाकी पेड़ों से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है।